नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। और एक न्यू ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। उम्मीद करता आप लोग अच्छे स्वस्थ होंगे और मम्मी अच्छे स्वस्थ हैं। और अष्टमी है, आज ही मेन दुर्गा पूजा है दोस्तों। दुर्गा माता का पूजा है आज, माँ दुर्गा का। लेकिन हम मॉर्निंग वॉक पे आए थे उधर से, तो इधर से घर जा रहे, तो वीडियो सोचे यहीं पर स्टार्ट कर लेंगे। इधर का व्यू बहुत काफ़ी अच्छा है, आप लोग को भी देखने को मिलेगा। और हाँ दोस्तों, क्योंकि आज हम लोग मतलब आज दुर्गा पूजा है, तो हम लोग दुर्गा पूजा क्यों नहीं करते हैं आपको बताएंगे, मम्मी बताएगी। पूरा गांव में करता है लेकिन हम लोग नहीं करते हैं। और देखिए ये डैम है हम लोग का, काफ़ी अच्छा नज़ारा है। और पानी से भाप उड़ रहा दोस्तों, पानी से हल्का हल्का भाप उड़ रहा, देखिए देख पा रहे होंगे, दिखा रहा है मोबाइल से। देखिए ऊपर हल्का एकदम भाप उड़ रहा है और पानी भी हल्का हल्का गर्म है। सूर्य भगवान उदय हो गए हैं, अभी हम चलेंगे घर। और खराब लगता है दोस्तों, पूजा हम लोग नहीं करते हैं, सबको करता है गाँव वाला। तो दोस्तों आज बताएंगे हम लोग दुर्गा पूजा क्यों नहीं करते हैं। आज महाअष्टमी है और माँ दुर्गा का पूजा चल रहा है और गांव में भी पूजा हो रहा है, अभी भी हो रहा है, सुबह से हो रहा है। और मतलब जो भी दुर्गा माँ का पूजा करता है, आज मेन पूजा है क्या होगा, आज अष्टमी है तो अष्टमी के दिन मेन पूजा होता है, कल नवमी होगा। नवमी के दिन हम लोग गांव में बकरा बलि तो होता ही है, भैंस बलि भी होता है, मतलब भैंस को भी कटा जाता है दुर्गा माँ के सामने, तो यूनिक है। आज बताएंगे दोस्तों हम लोग कि दुर्गा पूजा हम लोग क्यों नहीं करते हैं, दुर्गा पूजा हम लोग क्यों नहीं करते हैं। बहुत इमोशनल दिन है हम लोग का घर में। 25-30 साल पहले क्या हुआ था, एग्जैक्टली 28-30 साल होगा दोस्तों, 30 साल करीब क्या हुआ था उस दिन, उस दिन के वजह से उस दिन ऐसा घटना घटा था हम लोग के घर में, इसीलिए हम लोग दुर्गा माँ का पूजा नहीं करते हैं। गांव में सबको करता है, माँ दुर्गा का पूजा सबको करता है और मंदिर में जाकर पूजा करता है, लेकिन हम लोग नहीं करते हैं। तो ऐसा रीजन है क्या हुआ था, कुछ घटना घटा था और क्या बहुत ही दर्दनाक और बहुत ही दुख भरी घटना है दोस्तों। तो मम्मी पापा हम तो नहीं थे उस टाइम, और थे तो बहुत 1-2 साल करते, हमको तो नहीं पता। मम्मी पापा हमको बताया तो सुन के बहुत खराब लगा। और उस स्थिति में उस टाइम हम लोग का स्थिति इतना ही खराब था, ये भी इतना ना उससे मतलब 10% भी अच्छा नहीं था, इतना खराब स्थिति में। और मेरा मम्मी और पापा का कोई नहीं था उस टाइम, जैसे कि हम लोग का होता है ना, मतलब हम लोग जैसे दो भाई हैं, लेकिन उस टाइम बाबा मेरे पापा अकेले हैं, पापा का कोई भी मतलब होता है बड़ा पापा या चाचा ऐसा कोई नहीं है ना पापा, हाँ कोई नहीं है, कोई नहीं है, मेरा पापा अकेले और मेरा मम्मी दोनों लोग किस स्थिति में थे उस टाइम ना, हमको सोच के हमको रोना आ रहा दोस्तों। और उस दिन ऐसा घटना मालूम नहीं रहेगा, बात करते करते मम्मी रो ली, रो गई है मम्मी, रोते मम्मी को देख के हमको भी बोल रहे हैं ना, आंख में आंसू आ रहा है, आप लोग भी देख पा रहे कि आंख में आंसू, पापा का भी आंसू भर गया होगा, मम्मी तो रोने लगी, ऐसा घटना घटा था। पापा बताएंगे थोड़ा कुछ, बताइए पापा क्या हुआ था उस दिन, पापा और मम्मी बोलेंगे तो और अच्छा होगा। बेटा मेरे हो गया था आज का दिन मामा पूजा में, मामा पूजा में मेरे पिताजी डेट किया था, छोटा छोटा बच्चा था, आज हम छोटा छोटा लड़का था, हमारा साथ देने वाला कोई नहीं था, 2 बच्चा के था, कोई नहीं दो बच्चा के था, अचानक ऐसा घट गया, मन में नहीं था, ठीक था पिता में। मतलब दोस्तों मेरा पापा अच्छा से नहीं बोल पा रहे हिंदी, क्योंकि हम लोग बंगाली हैं, तो हिंदी अच्छा से नहीं बोल पा रहे हैं पापा। आज दिन में मेरा ससुर मर गया था। और मतलब ऐसा है, ऐसा हालत भी नहीं था कि मरने वाला है, ऐसा पहले से एक मतलब कुछ नहीं था मेरा घर में, रोग तो होता रहता था। हम भैया भी 6-7 का लगा के सूत्र थे घर। और दोस्तों मतलब ऐसा नहीं था मेरे दादाजी मरने वाले थे या कुछ हो गया था, रोग हुआ था, ऐसा कुछ तबीयत खराब था, ऐसा कुछ नहीं था, नॉर्मल ही था। और महाअष्टमी हो रहा, पूजा हो रहा माँ दुर्गा का, और उसी दिन मेरा दादाजी का पूजा हो रहा था और डेथ कर गया, मतलब मर गए। और उस दिन बहुत ही हालत खराब थी, हमको तो सोच के ताजुब लग रहा, हम लोग का स्थिति दोस्तों और भी बहुत खराब था। अभी जितना है ना हम बरा रहे, भगवान की कृपा से हम लोग खाना पीना मिल रहा था, कमी नहीं हुआ है, लेकिन उस दिन उस टाइम कितना खराब स्थिति था। करीब 30 साल पहले सोचिए, मतलब 1980 के लगभग दादाजी डेथ करने के बाद हम लोग का बहुत सारा ऐसा जमीन था जो हम लोग अभी नहीं है, वो मतलब आदमी मतलब नहीं रहे, मतलब अच्छा खासा थे, मतलब ब्रांड थे बोलेंगे तो, गांव का ब्रांड थे वो, मतलब सब कुछ नॉलेज था। और वो मतलब
बहुत ही अच्छा आदमी रहा। अभी भी कोई गाँव का किसी को बोल देने वाला दादा जी का नाम चार घाट से पानी लाते थे आज दिन में पानी करता था दुर्गा में। जैसे गांव में वॉलीबॉल होता था ऐसा सब मेरा दादाजी लीड करते थे, इसीलिए हम लोग का उस टाइम मेरे पापा का फैमिली का मेन दादाजी मेन गार्जियन थे। मेरे पापा थे ठीक है लेकिन अकेले था। हाँ मतलब मेरा दादाजी ब्रांड थे, मेरा पापा नहीं हुए ब्रांड, लेकिन मेरा दादाजी ब्रांड थे, मतलब गांव का बहुत ही अच्छा खासा था। लेकिन उस टाइम ऐसा घटना घटने के बाद क्या स्थिति हुआ था इन लोग बताएंगे पापा मम्मी। मेरे बाप मतलब कि हम दिन को देख के कुछ नहीं हुआ था, मेरे पिताजी को देख के हुआ मर जी था पर मर गया, साथ देने वाला कोई नहीं था। आज कल आंसू आ रहा है, इतना आंसू आ रहा है मन पड़ गया। और दोस्तों आ गया पापा मम्मी तो अच्छे से बोल भी नहीं पा रहे हैं क्योंकि इन लोगों का जो दर्दनाक घटना घटा था इन लोगों के साथ, सबके साथ होता है, हम वही नहीं बोलेंगे सबके साथ ऐसा नहीं होता है लेकिन होता है। एक ऐसा परिवार में मतलब और सच है दोस्तों मेरा दादा जी बहुत ही से पानी लाते थे 4 बजे और पानी देते थे, सब पूजा होता था दुर्गा माँ के, कीर्तन करता था, मेरा ससुर मालिक था सब करते थे, मेरा ससुर गुरुदार पढ़ाया कतरा था। और हाँ दोस्तों ये बात है बहुत गांव का आदमी जो पुराना आदमी है अभी भी हमको बोलते हैं कि मेरा दादाजी इतना मुद्दार होता है ना, जैसे कि आदमी कोई मर जाता है तो उसको जलाने का जो सारा होता है लकड़ी का वो मतलब उसको बेस्ट आता था बनाने के लिए, ऐसा बोलते हैं, ऐसा हम बना के नहीं बोल रहे हैं। 99 बहुत ही सच में दोस्तों बहुत ही धर्मिष्ठ आदमी थे, इसीलिए माँ दुर्गा का अष्टमी पूजा के दिन मतलब डेथ किए। पूजा हो रहा है और देखिए इतना दर्दनाक बात सुन सुन मीठू भी आवाज देने लगा, बहुत खराब लग रहा है मेरा। अब दोस्तों उस टाइम कोई ऐसा साथ देने वाला नहीं था, क्या मतलब स्थिति हुआ था और अभी हम मतलब सब कुछ मोबाइल में नहीं बता सकते हैं और वीडियो में बहुत कुछ ऐसा बात है जो हम भगवान ऐसा दिन किसी को ना दिखाए, इतना दुख भरा इतना दर्द भरा और क्या बताएंगे। नहीं पूजा करते हैं इसीलिए हम लोग मेरा ससुर ले गया दुर्गा पूजा मांग के, इसीलिए दोस्तों हम लोग दुर्गा पूजा नहीं करते हैं क्योंकि उसी दिन मेरा दादाजी का देहांत हुआ था, इसी के वजह से यही मेन रीजन है। और ऐसा मतलब सब कोई पुरोहित सब सब कोई बोलते हैं कि उस दिन अगर मर गया तो फिर हम लोग को नहीं बनेगा, काफी खराब लगता है। और दोस्तों सबको का ये दिन तो मतलब परम सत्य है, अगर जन्म हुआ तो मृत्यु तो होगा ही, लेकिन कुछ आहट देके या कुछ मतलब ऐसा पता चल के घर में रहे और मतलब गरीब लोगों का तो दिक्कत है दिक्कत है, और मेन आदमी अगर घर का जो मतलब डेथ हो जाता है ना तो काफी दिक्कत होता है। बकरा था हम लोग उस टाइम में तो 250 रुपये में बोल रही है बिक दिए थे उस टाइम, और उसको उनको जलाने के लिए कोई ऐसा आदमी मतलब क्या बोलेंगे जो आसपास का था नहीं आया था, वो तो जो था पापा का दोस्त उन लोग आए थे तुरंत पापा को दादाजी को फिर ले गए नदी जलाने के लिए, तो बहुत ही मतलब खराब लगता है दोस्तों। और मेरा दादाजी का एक अलग ही नाम था गांव में, हमको इसीलिए इतना पता है कि हम लोग बोलते हैं और लैंग्वेज दोस्तों पापा मम्मी का जो है हिंदी प्रॉपरली नहीं बोल पाते हैं, इसी के वजह से हम बोल रहे हैं, तो अच्छे से पापा मम्मी बोल देते क्या क्या हुआ था उस दिन। तो मेन रीजन यही है हम लोग दुर्गा पूजा नहीं करते हैं, तो 30 साल पहले हम लोग सब ऐसे से घटना घट गया था और हम लोग का तब करने को बनेगा जब दुर्गा पूजा का आज का दिन कोई जन्म लेगा हम लोग का घर में तब जाके हम लोग को पूजा करने का बनेगा क्या ऐसा बोला जाता है, कोई लोग ऐसा बोलते हैं। ठीक है दोस्तों आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट और एक ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, ये घटना आपको सुन के कैसा लगा जरूर बताइएगा, थैंक यू।